हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज 19 अगस्त है, आज जन्माष्टमी है। फिर आज सभी लोग नहा के जल्दी से रेडी हो चुके हैं। देखिए, हम लोगों ने नहा धो के पूजा भी कर लिया है और आज हमारे घर में दो लोगों ने फास्ट भी रखा है। ये देखिए गाइस, ये मेरी भाभी को और मेरी मम्मी को देखिए, दोनों लोगों ने फास्ट रखा है और ये दोनों लोग मौसम्बी का जूस निकाल रहे। देखिए कितना सारा इन्होंने जूस निकाला है। आप फास्ट है इन दोनों का, पर हम चार लोग तो भाई फास्ट रखते ही नहीं है। देखिए गाइस, पापा मेरे 24 किलो मौसम्बी ही लेके आ गए थे, एक बोरी ही उठा के। अब हम रोज डेली एक एक गिलास जूस पीते हैं। ये देखिए मेरे भाई को इसका काम है जूस निकालना, ये मशीन में जूस, इसका काम मशीन से जूस निकालने का है। तो तीनों लोग लगे हुए हैं जूस निकालने में, एक देखो खाने में लगी हुई है। गाइस ये देखिए, हम चार लोगों के लिए खाना बना हुआ है। हमारे लिए कुल्लू की सब्जी और रोटी बनी है, बाकी दो लोग अपना फास्ट रखे तो फ्रूट वगैरह खाएंगे। गाइस देखिए, दो लोगों ने फास्ट रखा हुआ, उनके लिए फ्रूट्स वगैरह रखे हैं खाने के लिए। देखिए हमने जूस में चीनी डाला है और काला नमक डाला था। ये देखिए 3 ग्लास जूस रेडी हो गया है, तो अब हम लोग पीने जा रहे हैं। गाय बहुत दूसरा और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो रोज आपको लोग 1 ग्लास जूस पीना चाहिए आपको मौसम्बी का। गाइस देखिए, जूस हम लोगों ने पी लिया, अब घर का सारा काम पड़ा हुआ। देखो बर्तन धोना है, अभी झाड़ू पोछा करना है, हम लोगों पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ। गाइस आप मम्मी को देखिए, मम्मी मिर्ची की डंठल निकाल के रख रही है, इससे जो होता है ना मिर्ची जल्दी खराब नहीं होती है और लंबे समय तक चलती है। तो अब इसको हम ना पन्नी में बांध के फ्रिज में रख देंगे, और ऐसा आप अपने घर पर भी जरूर करके देखना। गाइस ये देखिए, मेरी मम्मी को मिर्ची का काम हो चुका है, अब मम्मी फ्रिज साफ करने में लगी हुई हैं। गंदी हो चुकी है, सफा कर देती हूँ, सफा कर देती हूँ, सफा कर देती हूँ, सफाई करो तो अच्छा ही रहता है। आज जन्माष्टमी भी है, घर का साफ सफाई बहुत अच्छा होता करना, आप लोग भी सफा करो। अब मैंने जूस पी लिया, जूस पीने के बाद मैं चाय पीने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए। ये देखिए मेरी मम्मी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जा रही हैं। ये देखिए बहुत सारा कपड़ा हो गया धोने के लिए, और एरियल से कपड़ा धोती हैं, इससे कपड़ा बहुत जल्दी साफ हो जाता है। ये देखिए कितना कपड़ा रखा हुआ है धोने के लिए, अभी पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है, तो अब हम साफ सफाई का काम कर रहे हैं। अब कपड़े धुलने का काम हो ही रहा है यहाँ पे। गाइस ये फोटो फ्रेम है जो मेरे भैया भाभी को गिफ्ट में मिला था, तो अब मेरे पापा इसके लिए कील ठोकने जा रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे फोटो फ्रेम लगाने के लिए इंची टेप से यहाँ पे मार्किंग हो रही है कि कहाँ पे लगाना है हमें। गाइस इधर देखिए, इधर कपड़ा धुलने का काम चालू भी हो चुका है, देखिए कैसे कपड़े धुल रहे हैं इसमें। पापा देखो कील ठोक रहे हैं, हम यहीं पे फोटो फ्रेम लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे फोटो फ्रेम लग चुका है। अब गाइस आज जन्माष्टमी है, तो इसीलिए आज हमने राधा और कृष्ण भगवान जी का ये फ्रेम लगा दिया है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अब हम छत पे जा रहे हैं, मम्मी ने छत पे धनिया फैला रखा है। ये देखिए हम लोग छत पे आ गए हैं, छत पे मम्मी ने यहाँ पे धनिया और जीरा फैला रखा है। हम लोग ना इसे धूप में सुखा के घर पे मशीन में ही पीस लेते हैं। आप देख ही सकते हैं आज कितनी धूप हो रखी है जन्माष्टमी के दिन, नहीं तो जन्माष्टमी के दिन मौसम कितना अच्छा रहता है, पर आज बहुत ही तेज़ धूप है। ये देखिए आपको चारों तरफ बहुत तेज़ धूप दिखाई दे रही है, आज देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। गाइस ये जन्म बूटी है, ये दोपहर में खिल जाता है और शाम को मुरझा जाता है, ये हमने अपने छत पे लगा रखा है। ये देखिए पुदीने का पौधा लगाया है हमने अपने छत पे, हमने तुलसी का पौधा भी लगा रखा है, रोज हम इनकी पूजा करते हैं। गाइस अब हम दोनों जा रहे हैं शॉप पे मोबाइल की, क्योंकि मेरे फोन में ना आवाज़ बहुत ही कम आ रही है, तो अब हम जा रहे हैं दिखाने के लिए। गाइस मेरे भाई को देखिए, अब ये नहाने जा रहा है, अब जब ये नहा लेगा तब हम जाएंगे मोबाइल की शॉप पे, देखते हैं कि फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है और कब तक वो ठीक करके देता है।
गाइस अब हम दोनों लोग रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं शॉप पे। गाइस हम लोग आ गए हैं अपना फोन ठीक करा के, अब 12 बज चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। गाइस कल हमने सिटी मॉल से सामान ऑर्डर किया था, वो आ चुका है, देखते हैं पार्सल में क्या क्या चीज़ें आई हैं। गाइस ये देखते हैं क्या है इसके अंदर। गाइस हमने चीनी मंगवाई है, मैगी है, बेसन का पैकेट है, 2 बिस्किट मंगवाए हैं हमने। ये सारा आइटम हमें 101 रुपए का मिला। अभी सिटी मॉल में डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग भी सिटी मॉल से सामान मंगाइए और डिस्काउंट पाइए। गाइस ये देखिए मेरे पापा गए थे दवाई लेने के लिए। अभी सभी लोगों की ना घर में तबीयत ख़राब हो रही है, किसी को बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो वही दवाई लेके आए हैं। अभी मौसम ही ऐसा चल रहा है, ख़राब हो रखा है मौसम, कभी ठंडी हो रही है, कभी गर्म हो रहा है, बारिश हो रही है, तो सब लोगों की ही तबीयत ख़राब हो रखा है अभी। गाइस देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं अभी मम्मी और बेटी का रोल करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं देखिए रेडी हो चुकी हूँ। ये मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगी अपना, तब देखते रहिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करना। गाइस ये देखिए मेरी भाभी को पैरों में महावर लगा चुकी हैं, अब नेल पेंट लगा रही हैं, ये देखिए। गाइस ये देखिए पापा को फ़ोन चलाने में बिजी हो रखे हैं, इधर मम्मी को देखिए, मम्मी और सौरभ भी, मम्मी और सौरभ दोनों आराम कर रहे हैं। गाइस ये देखिए 2 बजने वाला है, सब लोग खाना खा चुके हैं इस टाइम पे, अब मम्मी का सोने का टाइम हो गया है। क्या आप मुझे बताएंगे आप बनाना से कैसे बनाओगे? बताइए। बनाना शेक बन चुका है, अब इसको ग्लास में निकाला जा रहा है। लाइट चली गई है, काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे लाइट गई है, तो बहुत ही गर्मी लग रही है, देखते हैं लाइट कब आती है। गाइस ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है, अब इसको कट करके हम बनाना शेक में डालेंगे। देखिए कट करके इसमें बनाना शेक में डाल रहे हैं। गाइस देखिए 5 गिलास बनाना शेक रेडी हो चुका है, अब हम लोग पीने जा रहे हैं। पापा कैसा लग रहा है आपको बनाना शेक? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको अपने हाथ का बनाया हुआ बनाना शेक? मम्मी लाइट जा चुकी है, तो आप बनाना शेक पी रहे, तो कैसा लग रहा है आपको? सौरभ आपको कैसा लग रहा है? वाह वाकई में बनाना शेक बहुत ही टेस्टी है। अब हम लोग बाहर आके बैठ गए हैं, बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, पापा अपना फ़ोन में गेम खेलने में बिजी हो रखे हैं, मेरा छोटा भाई भी बाहर बैठा हुआ है, मम्मी घर के अंदर ही है अभी, बाहर नहीं आई है। गाइस सभी लोग सो के उठ चुके हैं, शाम के 5:30 बज गए हैं। गाइस देखिए छत पे धनिया सूख चुका है, अब मम्मी उससे मसाला रेडी कर रही है, देखिए उसका मसाला रेडी हो चुका है। अभी ये जीरा है, मंगरैल है, ये मम्मी ने पीसना भी स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए ये पीस चुका है, अभी इसको और थोड़ा सा बारीक करना है। घर पे पीसने से क्या होता है ना, मसाला घर का मसाला ना शुद्ध होता है। पापा अब लहसुन छीलने में लगे हुए हैं, क्योंकि शाम को हम ना दाल की पूड़ी और खीर बनाएंगे, इसीलिए उसके लिए हम यहाँ पे लहसुन छीला जा रहे हैं। ये देखिए दाल की पूड़ी बनेगी, उसके लिए यहाँ पे चने की दाल भिगो के रखी हुई है। देखिए दाल को फ्राई किया जा रहा है, इसमें हमने जीरा डाला है और हींग भी डाली है, और थोड़ा सा तेल डाल के इसको भून के थोड़ा सा पानी डाल के इसमें सीटी लगा देंगे। इसको अच्छे से चलाया जा रहा है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें 1/2 ग्लास पानी डालना है हमें। इसमें लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मिक्स किया जा रहा है। अब इसमें धनिया पाउडर डाला जा रहा है।
हल्दी डाली जा रही है इसके अंदर, थोड़ा पानी ऐड किया जा रहा है इसमें ताकि जो हमारा मसाला है वो चिपके नहीं और अच्छे से भुन जाए। नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है इसमें। अब इसमें ढक्कन लगा दिया गया है, 5-6 सीटी में दाल का मसाला रेडी हो जाएगा। गाइस मम्मी भी छत पे आ चुकी हैं, अब सौरभ भी आ गया है। यहाँ पे बाकी लोग पतंग उड़ा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं ऊपर आसमान में बादल कैसे काले नजर आ रहे हैं। बच्चे छत पे पतंग उड़ा रहे हैं क्योंकि अब शाम का टाइम हो गया है, धूप जा चुकी है, अब अंधेरा ही होने वाला है कुछ समय बाद। देखिए आपको हर छत के ऊपर झंडा दिख रहा होगा, सभी लोगों ने अपने छत के ऊपर झंडा लगाया हुआ है। छत पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस हम लोग छत पे आए थे शूटिंग करने के लिए, तो हमारी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब शाम हो गया है तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, आपको दिख ही रहा होगा। घर से कपड़े उतार के ले आए, अब इन सारे कपड़ों को समेट कर अलमारी में लगाना है। खीर बनके रेडी है, पूड़ी भी बन चुकी है दाल की। गाइस रात के 8 बज चुके हैं, खाना बन चुका है, यहाँ पे लोग खाना भी खाना स्टार्ट कर दिया है। मम्मी अपना फ्रूट्स खाने में लगी हुई हैं, यहाँ भाभी भी अपना फ्रूट्स खाने में लगी हुई हैं, भैया अब ऊपर जा रहे हैं। देखिए मेरा खाना निकल चुका है, ये देखिए खीर, ये है दाल की पूड़ी, सब लोग खा चुके थे बस मैं ही रह गई थी। अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। अब मैं अपनी एडिटिंग कंप्लीट करके अब हम लोग सो जाएंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।